हेलो। नमस्ते संगीता जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, आप पहचानी नहीं, मैं साक्षी का अंकल बोल रहा हूँ, आपके बेटे आरुष की होने वाली बहू। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात भी नहीं हुई है, मैंने कहा संगीता जी पहले उनकी माँ हैं और माँ से बात करें। वही क्या हाल चाल है आरुष के? घर पे है? घर पे ही है। नहीं, मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात नहीं करी है हमने। अब क्यों, आरुष से क्या बात करनी है? वो फ्री थोड़ी ना है, आपके लिए बैठा हूँ। घर पे नहीं है क्या आरुष? है घर पे, क्या बात करनी है बताइए। नहीं, मैंने कभी बात नहीं करी ना आरुष से, मैंने सोचा कि भाई उनसे बात बात। तो आपने ओबामा से भी नहीं करनी होगी, उससे भी करनी है क्या? आप थोड़ा बुरा मान रही है, मतलब थोड़ी सी अगर आप बात करा देते मैं थोड़ी हाई हेलो कर लेता। एक सेकंड होल्ड करो आरुष। हेलो। आरुष हाँ जी, बेटा, मैं अभी आपकी मम्मा से बात कर रहा था। हाँ हाँ पता है मुझे, बताइए क्या बात करनी है। बेटे आरुष, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हाले क्या आलू चो। बहन पागल हो गई। हेलो। एम आई टॉकिंग टू मिस्टर आरुष? हाँ जी। आलुज टॉटले ताऊ दे। कौन है? आलुज बेबी टॉटले ताऊ दे। क्या कौन है? ले ले आलू तो दुलचा दिया। बहन तुम्हारी छोड़ता हूँ अभी। हेलो, इज दैट आरुष? हाँ जी। आरुष हाय, आई एम विनायक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लिमिटेड। मुझे आपको कुछ बताना था। कैन आई? अभी बताइए। हाँ, आपको एक तोली सुनाता हूँ। ये भालने बहुत भली पली होती है, फिर वो पली अपनी लाख। कौन बोल रहा है? यही तो बताना चाह रहा था आलोश, मैं यही तो बताना चाह रहा था। मैं तो ये नाम है आपके फितर बताना चाह रहा था। आलोश आलोश, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नाम बताओ तुम्हारी माँ। अब तो बला बोला लग गया। साक्षी के यहाँ से आखिरी बार बोल रहा हूँ आरुष, फोन बिना काटे एक बात सुनो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें समझाने का इससे बेहतर तरीका लगा ही नहीं मुझे। तुम्हारी होने वाली पत्नी साक्षी ने मुझे मेल किया ये कहने के लिए कि नवेद आप आरुष से कह दीजिए कि मैं शादी नहीं कर सकती। जब मैंने वजह पूछी तो उसने पता क्या बताई? उसने ये बताया कि आरुष के माँ बाप से कहना कि जिस दिन वो बड़ा हो जाए ना, उनको लगने लगे तो उसकी शादी कर दें। आरुष, कौन कहता है कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी चाहिए या अपनी माँ का कहना नहीं मानना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए, लेकिन तुमने तो हद पार कर रखी है। साक्षी अगर तुमसे ये पूछती है कि मैं शादी के दिन कौन से कपड़े पहनूं, तो तुम उसको ये जवाब देते हो कि माँ जो कहेंगी वो पहनना पड़ेगा। अगर साक्षी तुमसे शादी से पहले मिलने के लिए कहती है, तो तुम ये कहते हो कि मैं माँ को साथ लाऊंगा और रेस्टोरेंट में साथ में बैठेंगे। हद तो ये है कि साक्षी ने तुमसे ये पूछा कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने कहा माँ जहाँ कहेंगी तो जाएंगे और माँ कहेंगी तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। अगर साक्षी तुम्हें फोन करना चाहती है तो पहले तुम्हारी मां से बात करे, वो उनसे इजाजत ले, फिर तुम में हिम्मत आए तो तुम साक्षी से बात करो। उसने तो ये तक बताया कि बात करते वक्त भी तुम मां को साथ रखते हो, कि जब तक बात करेंगे मां साथ में बैठी रहेगी। आरुष, ऐसे नहीं होता। मां की इज्जत करना आरुष बहुत अच्छी बात है, लेकिन मां की गोद में से बाहर निकल के ये ना समझना कि अब हम बड़े हो रहे हैं, ये थोड़ी सी बेवकूफी है। ये तो शुक्र है कि वो जॉब वॉब करना नहीं चाह रही थी, वरना तुम क्या हाल करते उसका। आरुष, माँ की खिदमत करना, माँ का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की मोहब्बत में उसको इग्नोर कर देना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन गुजारने वाली है, ये तो गलत है ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा चलो साक्षी से ज्यादा करो, तो बराबर तो कर लो कम से कम। आरुष, वैसे बुरा मत मानना, उसके मेल पे अगर मुझे लगता भी कि ये झूठ बोल रही है साक्षी, तो तुम्हारी माँ की बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम किस तरह के बेटे हो। यार, किस तरह के बेटे बनना चाह रहे हो तुम? या तो बेटे बन लो तुम, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी साक्षी के यहाँ रिश्ता भेजने की? तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं, साक्षी ने होश आवाज में ये बता दिया कि ये रिश्ता खत्म कर रही है और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल के बाद भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें शादी करनी है। फिर किसी लड़की से तुम ये कहोगे कि हनीमून पे तो वहां चलेंगे जहां माँ जाएगी, कपड़े तो वो पहनेंगे जो माँ पहनेगी? गलत है, पूरी उम्र शादी नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे ही रहे ना, जब तुम ऑफिस जाओगे तो लोग कहा करेंगे ले 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 आरुष आ गया, और जब तुम रोड पे निकलोगे ना तो लोग कहेंगे ले 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 ले, कितना प्यारा बच्चा है। माँ की खिदमत करो यार, कौन मना कर रहा है? यार, एक लड़की तुम्हें पूरा जीवन दे रही है अपना, और तुम वो बात तो ठीक है, बट मैं वही करूंगा जो मामा कहेंगी। तो फिर एक काम करना आरुष मेरे भाई, अपनी मामा से ये कहना कि जब रात को तुम टॉयलेट जाया करो ना, तो वो तुम्हारे साथ जाया करें अब भी, और अंदर जाया करें और पीछे से खड़े होके करा करें। श्श, श्श,
इधर ला फोन, इधर कौन बोल रहा है? मैडम के ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ, आरुष और साक्षी का हनीमून पैकेज बना रहा था, अब मैं बना रहा हूँ आरुष और आपका, और आप जहाँ चाहो घुमा के लाना, ठीक है? सारे काम आप ही करना है इसके साथ, इसको इसको जीने मत देना अपनी बीवी के साथ, किसी भी बीवी के साथ मत जीने देना, ठीक है? बकवास बंद कर, करवाना कहीं पे भी अपनी लड़के की शादी। अब मुझे कहीं ना कहीं मालूम है, इसका नाजायज फायदा मत उठाइएगा, कहीं आप ये करें कि आपके हस्बैंड घर पे हैं और आप कहें लो सुनो ले 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 ले, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब खुद मां बनेंगे और उस बेटे की शादी हो रही होगी तो उसको ऐसा मत बनने दीजिएगा।